और बिहार में एनडीए मजबूत स्थिति में, एनडीए की सरकार और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जनता बिहार में एनडीए के साथ और देश में भी नरेंद्र मोदी जी के साथ। उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जेडीयू कह रही कि मेरा परंपरागत सीट है, क्या बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी क्या? नहीं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बिहार में भी हमारी चुनाव समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति ही तय करती है कि किसका कौन सा सीट होगा और कौन चुनाव लड़ेगा। कन्हैया कुमार कांग्रेस की सदस्यता ले लिए, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कांग्रेस एक्सपायरी मेडिसिन है, इसको जनता ने नकार चुका है। एक्सपायरी मेडिसिन जो खाता है उसका वही हश्र होता है, आप तो जानते हैं। और जिस नेता की आप बात करते हैं उनको भी जनता नकारेगी। कैसे कैसे इन लोगों ने नारा लगाया था दिल्ली के अंदर, और उन्होंने पिछला संसदीय लोकसभा का चुनाव लड़ा है, कई लाख मतों से जनता उनको नकार चुकी है। उपचुनाव में बिहार में एनडीए की ही जीत होगी और पिछले बार से ज्यादा वोट से एनडीए जीतेगी। नहीं, 4 लाख से ऊपर उपजाति जातियां देश में है, तो भाई बहुत समस्या है और उसको हमारा केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है। प्रधानमंत्री जी से प्रतिनिधिमंडल मिला था पिछले दिनों, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। जाति उपजाति, इतने लाख की संख्या में देश में जातियां उपजातियां हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत कठिन काम है। एनडीपी का कहना है कि जातिगत जनगणना बिहार सरकार को अपने खर्चे पे कराना नहीं, करा सकती है राज्य सरकार तो स्वतंत्र है, राज्य सरकार करा, अगर कराना चाहती है तो राज्य सरकार करा सकती है। देसी जी कह रहे हैं कि 2024 में यदि चुनाव हुआ तो 39 सीट हम जीतेंगे, तो उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद हमको विशेष राशि मिल जाएगा। भूल से उन लोगों का एक सीट किशनगंज जो है वो लोग जीत गए, और अब चुनाव होगा तो वो 40 के 40 ही एनडीए जीतने वाली है। वो एक सीट जो लेके वो बिहार में घूम रहे हैं यूपीए, वो सीट भी वो नहीं जीतने वाली है, वो सीट भी एनडीए ही जीतेगी। बिहार में जितना नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है और जो नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं, तो वो 40 के 40 सीटें तो भूल ही जाए बिहार में।